मित्रों, हिंदू वैदिक संस्कृति में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। एक आदर्श स्त्री वही है जो घर को हमेशा जोड़कर रखती है, जबकि एक आदर्श पुरुष हमेशा अपनी पत्नी को साथ लेकर चलता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जो स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं करते हैं और लालच में स्वार्थी हो जाते हैं, उनका और उनके परिवार का बर्बाद होना निश्चित है। आज की इस वीडियो में आपको राजा भर्तहरि के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने स्त्रियों के बारे में काफी रोचक बातें बताई हैं। उन्होंने चरित्रहीन स्त्री के 8 लक्षण भी बताए हैं। ये लक्षण क्या है, आइए मिलकर जानते हैं। भर्तहरि ने अपने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा दीक्षा ली। उसके बाद वह महान सन्यासी, संस्कृत कवि और रचनाकार बने। उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की रचना की, जिसमें कई ऐसी बातें लिखी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। मित्रों, उन्हीं में से एक वैराग्य शतक में भर्तहरि ने यह बताया है कि चरित्रहीन स्त्री के 8 लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये लिखी कि जो स्त्री बात किसी और के साथ करती है, भोग विलास किसी और के साथ करती है और उसके मन में किसी और का वास होता है, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो स्त्री आपसे प्यार करती है, जरूरी नहीं कि उसके मन में किसी और पुरुष के लिए कोई जगह नहीं हो। ये देरी सिर्फ अवसर मात्र की होती है। अवसर मिलते ही स्त्री दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित हो जाती है और यही चरित्रहीन स्त्री का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण कुछ इस प्रकार है कि जब तक स्त्री किसी को प्रसन्न नहीं कर लेती, उसे मोहित करने का प्रयास करती है। वो हमेशा मुंह से मनोहर बातें करती है और नैनों से वार करती है। स्त्री के आगे जंगल का शेर और बुद्धिमान योद्धा भी कायर हो जाता है। ऐसा करने वाली स्त्री भी चरित्रहीन स्त्री की संज्ञा में आती है। तीसरा लक्षण स्त्रियों का त्रिया चरित्र है, जिसके मुताबिक स्त्री अपनी आदतों से किसी को भी वश में कर सकती है। कई विद्वानों ने कहा कि त्रिया चरित्र को कोई नहीं जानता। सुख में हंसती है और दुख में रोती है, ऐसा देखकर पुरुष उसे अपना प्रिय समझ लेते हैं, लेकिन उनका चरित्र ही ऐसा है, कोई उस पर आसानी से विश्वास नहीं करता। अगर कोई विश्वास करे तो वो उसका भ्रम है। चौथी बात ये कि ऐसी स्त्रियां झूठ बोलना जानती हैं, मतलब झूठ बोलकर वो बात को इधर से उधर करती हैं, जिससे कई घर भी अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि आज भी घर टूटने के लिए स्त्रियों को ही जिम्मेदार माना जाता है। इसके अलावा पांचवी बात ये है कि वो बंधन या फिर कुलहीनता की परवाह ना करती। इन चीजों को दरकिनार कर जो स्त्री अपना जीवन जीती है, जीवन साथी चुनती है और एक के साथ नहीं रहती, वो उसके उल्टा होने का बड़ा लक्षण है। छठी बात ये कि जो स्त्री बूढ़े या जवान का ख्याल नहीं रखती, उच्च या नीच का ख्याल नहीं रखती, किसी भी जाति या धर्म के पुरुष के साथ संबंध बना लेती है, पुरुष की सुंदरता ही उसके लिए अहम है, वो चरित्रहीन स्त्री है। इसके अलावा भर्तहरि के अनुसार चरित्रहीन स्त्री का सातवां लक्षण ये है कि वो हमेशा नए नए पुरुषों को चाहती है, थोड़ी सेवा के बाद किसी भी पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाती है और मौका न मिलने तक ही सती सावित्री बनी रहती है। मित्रों, चरित्रहीन स्त्री का आठवां और आखिरी लक्षण ये है कि जिस स्त्री की पुरुषों से तृप्ति ना हो, जिसकी काम वासना कभी खत्म ना हो और जो अपने रूपवान पति को भी तिनके के समान समझे, हमेशा भोग विलास में डूबी रहे, कभी भी धर्म और संस्कृति को तवज्जो ना दे, वो स्त्री चरित्रहीन है। ऐसे में पुरुषों को इन स्त्रियों से दूर रहने की जरूरत है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए,